हाय फ्रेंड्स, पेंटा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ट्रायंगल के बारे में जहां पर 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं और यहां लगभग 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बात करते हैं हम वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। हम अक्सर बरमूडा ट्रायंगल के विषय में सुनते हैं और नाम सुनकर हमें अचंभा लगता है कि आखिर ये है क्या, इसका रहस्य क्या है। साइंस की भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर कोई हमें बोलचाल की भाषा में समझाए तो कितना बेहतर होगा। इसीलिए हम आज बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने वाले हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल है क्या। बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री और उसकी मिस्ट्री बेहद आसान भाषा में आप समझ लीजिए। अटलांटिक सागर में 5,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 हवाई जहाज, 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज और 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यही कारण है कि यह एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन के प्रवासी क्षेत्र है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी, जिसे फ्लोरिडा कहते हैं, से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कॉटिया, जो कनाडा में स्थित है, के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी खोज या जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में होती हैं या हो रही हैं, और यह एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई शोध हुए और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है कि आखिर जो जहाज गायब होते हैं वो कहाँ जाते हैं। वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों को यह पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों में हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जहाज से टकराते हैं और उसे जो है खींचकर समुद्र के तल तक ले जाते हैं। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम बरसक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लोड राडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों का सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। जानकारों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है, धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है। बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल एक खास तरह का हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हों, या फिर कुछ उस तरह का जैसा फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ, प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का एक जरिया माना जाता है, यानी यह रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमूडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी हैं, जो सालों से जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी यह 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह का हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान यहाँ जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बरमूडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है।
इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन का एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। कहा यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च करने के लिए इसी हिस्से में अमेरिकी और एक बहुत बड़ी सीक्रेट लैबोरेटरी बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान मशीन या उपकरण नहीं है जो इस नए सिद्धांत की सच्चाई जान सके। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।